नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आपका स्वागत है। चक्र साधना को लेकर के कई सवाल हमारे मन में रहते रहे और बहुत अच्छी जानकारी नहीं रहने से कई लोग कई तरह के भ्रम भी चक्र को लेकर फैला रहे हैं। और वशिष्ठ योग हमेशा से जागरण का एक कार्यक्रम कर रहा है, इसलिए एक लगातार हम एपिसोड चलाएंगे जिसमें सातों चक्र के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी देंगे और ये साथ ही साथ बताएंगे शुरुआत में कि किस तरह के आसन और बाद में प्राणायाम और ध्यान की प्रणाली चक्र जागरण में सहायक है। सीधा सीधी ये समझिए कि चक्र जागरण हमारा तभी घटित होता है जब शरीर मन आत्म तत्व एक संतुलन में स्थापित होता है और यह संतुलन ही चक्र का जागरण है। चक्र जागरण ऐसा नहीं है कोई अदृश्य चक्का वहां लगा हुआ है जिसको घूमना है। कई सारी बातें हैं इसके पीछे कि सूर्य और चंद्र के बीच का जो संतुलन है, यानी सूर्य क्या है एक्शन और चंद्र क्या है रिलैक्सेशन, ये जो संतुलन है वही हमारे अंदर की शक्ति का जागरण है। इसलिए हमने भगवान शिव को जो प्रथम योगी हैं उनको हमने क्या दिखाया, अर्धनारीश्वर के तौर पर, यानी आधे पुरुष आधे स्त्री, यानी आधा सूर्य आधा चंद्र, यानी सूर्य और चंद्र का सम्मिश्रण संतुलन। इसलिए चक्र साधना एक संतुलन है, तो इसलिए इन तमाम बातों को आज समझेंगे। हम पहला चक्र की बात करते हैं, मूलाधार चक्र। जैसा नाम से ही मूल आधार, यानी आपके होने का जो बेस है, मूल मतलब बेस रूट जड़, तो आपके होने का जड़ कहाँ मौजूद है, वो आपका मूलाधार। तो मूलाधार चक्र जो है आपके शक्ति का प्रथम केंद्र है, इसी पे सारी इमारत हमारी होने की स्थापित होगी। हर चक्र जो है आपके आकार व्यवहार विचार संवेदनाएं इमोशन सबको रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए हर व्यक्ति अलग अलग तरह के इमोशन का होता है, व्यवहार उनका अलग होता है, क्योंकि चक्र का किस तरह से प्रभाव रहा है उसके जीवन में। इसीलिए मेरे देखे चक्र जागरण आपके व्यक्तित्व के विकास का सबसे प्रमुख घटक है। और जैसे जैसे हर चक्र में संतुलन आएगा, आपका व्यक्तित्व एक कई आयामों में, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं, कई आयामों में आपके व्यक्तित्व में निखार आएगी और एक संपूर्ण व्यक्तित्व के आप मालिक होंगे। इसलिए पूरा जो सीरीज है हम बनाने जा रहे हैं, आज मूलाधार चक्र से शुरुआत हो रही है, ये आपको एक एक तल पर जागरण करेगा। मूलाधार कहाँ पे मौजूद है, मूलाधार हमारे जेनेटल और जो गुदा द्वार है उसके बीच का जो एरिया है वहाँ पर। इसको समझाने के लिए सभी चीज स्पाइन पे स्थापित है, लेकिन इसको समझने के लिए हम बता रहे हैं स्थान, तो वो मूलाधार का कार्य है, स्थान है। मूलाधार का कार्य क्या है कि आपके व्यक्तित्व में किस तरह का निखार लाता है, आपके व्यक्तित्व में कॉन्फिडेंस यानी एक विश्वास आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व ऐसा रहेगा जिसका मूलाधार जागृत रहेगा। तो कॉन्फिडेंस और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो मूलाधार के कारण रहता है। तो इसीलिए जैसे जैसे अगर आपको लगता है कि हम कॉन्फिडेंस नहीं है साहसी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर मूलाधार की कमियां हैं। और ये प्रैक्टिस आज आसन की जो हम बनाने जा रहे हैं और आगे जा करके प्राणायाम की, वो मूलाधार को बैलेंस करेगा। तो सबसे पहले आसन में आते हैं बिना समय गवाए कि घुटने के बल खड़े हो जाइए। कई सारे आसन बताएंगे, आसन में आप जितना कंफर्ट में देर से रुक सकते हैं वो रुकेंगे। राइट लेग को सामने ले जाएंगे, ध्यान रखेंगे कि आपका राइट नी और एंकल एक लाइन पे रहे, ये पोजीशन रहेगा। अब यहाँ से धीरे धीरे आप उठ जाएं। आपका देखिए घुटना मैंने इतना पीछे रखा है कि हमारा जो थाई है वो उसका स्ट्रेचिंग हो, पाँव की उंगलियाँ अंदर रख सकते हैं या बाहर जो भी कम्फर्ट हो। अब इस तरह से रहने मात्र से भी आप फील करेंगे कि मूलाधार की तरफ आप धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रेविटी की तरफ झुकते जाएंगे आपको फर्क दिखेगा। चैलेंज बढ़ाने के लिए आप अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और दृष्टि को ऊपर करें, ब्रीदिंग करते रहें। तो ये मूलाधार के जागरण के लिए हर आसन इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे अंजनी आसन से वापस आएंगे और आप दूसरे साइड इसको रिपीट कर सकते हैं। ख्याल रहे चक्र का जागरण में आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, भावना है, बहुत सारी प्रक्रिया है, इसलिए कोई भी कमतर नहीं है। हर चीज जो आप कर रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं चक्र को स्टिमुलेट करता है, यानी झंझोरता है उसको।
मैं अगर प्यार से आपको गले लगा लूं उससे भी मेरा चक्र जो है स्फुर्तित हो जाएगा, अनाहत जागृत होने लगेगा, या अनाहत जागृत है तभी हम गले भी लगा पाएंगे। इसलिए दोनों वाइस वर्सा है। तो पहला आसन, दूसरा आसन आप दूसरे साइड भी करेंगे इसको जब अपने अभ्यास में करते, तो मैं तो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं कि पांव को कंफर्ट दूरी से खोल लीजिए, लेकिन ख्याल रहे कि हमारा दोनों हील एक लाइन पे रहे। इसके लिए मैं मैट के सबसे आगे आ गया, ठीक है, पेल्विक सामने रीजन पर। अब राइट वाले पंजे को राइट साइड टर्न करें, ये देखिए, लेकिन हील से हमने टर्न किया ताकि दोनों लाइन बनी रहे। टर्न करने में ये गलती होगी, इस तरह से टर्न कर देंगे इसका नुकसान है, तो इसीलिए सीधा रखना है। अब यहां से नी को बैंड करते जाएं और धीरे धीरे एल्बो को नी के ऊपर रखें, ये देखिए, और पीछे दबाइए पंजे। अब ये कम खुला रहेगा तो कोई मूलाधार पे फीलिंग नहीं आएगी, इसीलिए कंफर्ट में इसको खोलिए। अब नी एंकल एक लाइन पे रहेगा, जो नीचे का एरिया है जो मूलाधार का उसको थोड़ा सा जमीन की तरफ जाने दे, ग्रेविटी की तरफ। अब यहां से अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठा सकते हैं या कान के साथ लगा सकते हैं, मुद्रा चाहे तो मुद्रा लगा लें, ब्रीदिंग करते रहे, स्टे करें। कितना देर रुकना यह सवाल रहता है, तो जितना आपका कंफर्ट है उतना देर रुकेंगे और धीरे से वापस आएंगे, दूसरे साइड करेंगे। इस पूरे प्रक्रिया को आप दिन भर में 2 से 3 बार अपनवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो अब तीसरा जो आसन है वो है वीरभद्रासन। वीरभद्रासन देखिए, इसमें शब्द से ही पता है, ऋषि मुनियों ने नाम बड़ा अच्छा रखा हुआ है। वीरभद्रासन यानी जो आपको वॉरियर बनाए। अब वॉरियर कैसे बनेंगे, जब मूलाधार साहसी होंगे, कॉन्फिडेंस होगा, तभी तो वॉरियर बनेंगे। वॉरियर मतलब लड़ाका, योद्धा। तो इसीलिए इसका नाम रखा ही गया है वीरभद्रासन। उसके लिए देखते हैं, मैं दूसरी साइड कर लेता हूं ताकि बैलेंस भी हो जाए। जैसे पार्श्वकोण आसन के उसी तरह का है, बस इसमें थोड़ा सा पैर को ज्यादा खोलना है, लेकिन नी एंकल याद रहे। गलती क्या होगी, अगर आपका नी इस तरह से रहा तो आपको घुटने के दर्द की शिकायत हो जाएगी। जो जो लोग नी आगे करके करते हैं उनको घुटना दर्द होगा, फिर आप कहेंगे आसन में गड़बड़ी हो गई, दर्द हो रहा है। कारण है, गलत अभ्यास से सही रिजल्ट कभी नहीं, इसीलिए सही अभ्यास सीखना आपका धर्म भी है। तो पार्श्वकोण आसन की तरह ही इसमें पैर फैलाइए, नी को अलाइन कीजिए, थोड़ा पैल्विक को नीचे की ओर जाने दीजिए, मूलाधार एरिया को, और फिर हाथ को पैर लग दीजिए। कई लोग गलत से ऐसे आगे बढ़ जाते हैं, ये रॉन्ग है। इसको अलाइन रखना है चेस्ट को पैल्विक के साथ, पंजे को नीचे दबाएं, ब्रीदिंग करते रहें। दृष्टि को अंगूठा पे फिक्स कर लिए, उंगलियों पे, फिर वापस दोनों साइड करेंगे, पार्श्वकोण भी, वीरभद्रासन 2। अब तीसरा चौथा, उसमें हम जैसे पार्श्वकोण में पैर फैलाए थे उसे खुलिए, टर्न कर जाइए इस बार पूरी तरह। इस बार पार्श्वकोण, ये वीरभद्रासन 1, ये इफेक्टिव आसन है। पैर को खोलिए ज्यादा ज्यादा ताकि नी और एंकल फिर से एक लाइन पे, इधर पंजा को फ्लैट रखना है, नहीं रख सके तो टोच को इस तरह से रख सकते हैं, कई लोगों को दिक्कत आएगी, हिल नहीं रख पाएंगे तो इस तरीके से। अब फ्लैट रखनी है नी को, देखिए 90 डिग्री पाया, थाई अगर पैरेलल हो जाए जमीन से तो बेस्ट है। अब यहां से कान के साथ सामने पहले देखिए, दूसरे साइड से और इसको डिस्क्राइब करता हूं, ये देखिए 90 डिग्री पे ला लिए, ये नी और थाई एक लाइन पे रहे, पांव की उंगलियां खोल के रखें ताकि वेट पूरी तरह है, मूलाधार को नीचे की तरफ ले जाना, याद रखिए हमेशा ग्रेविटी की तरफ। अब हाथ को ऊपर उठा करके सिर को पीछे लगे नमस्कार, कई लोगों की धड़कनें बढ़ जाएगी इसमें, इसीलिए सामने देख सकते हैं। काफी चैलेंजिंग पोस्चर सब है, मिला दीजिए, बात करते हुए आसन करने में देख रहे हैं सांस उखड़ने लगेगी आपकी, इसीलिए बहुत शांति से आराम से इस सब पोस्चर को कीजिए। आप पहले से अगर चाहें तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं इसको करने से पहले। अब आगे आते हैं अगला आसन मूलाधार के लिए, यह है मलासन। मलासन करने के लिए अपने पैर को थोड़ा सा विस्तार से देंगे, उससे पहले मैं एक खड़े में एक और आसन मैं चाहूँगा आपको जोड़ने के लिए, वो आपको मलासन में सपोर्ट देगा, कि आप पांव को खोल दीजिए और थोड़ा सा तिरछा इस बार कर लीजिए, ठीक है। अब धीरे धीरे पांव को फैलाइए और फिर हिप को यानी मूलाधार के एरिया को देखिए नीचे की ओर ले जाएंगे,
ठीक है। अगर आप चाहें किसी को सीधा हो रहा है पंजा तो पूरा सीधा कर दीजिए, नहीं होता तो थोड़ा तिरछा रखेंगे। आप शुरुआत में थाई को पकड़ के रखिए, थाई को दबाइए, काफी इफेक्टिव पोस्चर होने वाला है। चैलेंजिंग मूलाधार है आपका, आधार है तो चैलेंज देगा बहुत ज्यादा, सारा जिम का भूत उतर जाएगा इन आसनों में अगर ठहरेंगे। अब यहाँ से नमस्कार आ सकते हैं, और चैलेंज बढ़ाना हो तो, हाँ जैसे छोड़ेंगे ग्रेविटी और चैलेंज देने लगेगी आपको। आसन में करके देखिए और बताइए मुझे किस तरह का चैलेंज मिल रहा है। ऐसा चैलेंज आप फील करेंगे, मूलाधार आसान चीज नहीं है, लेकिन इससे आपके व्यक्तित्व में एक कॉन्फिडेंस, एक शक्ति, एक साहस, एक उद्यम, बहुत सारी चीजों का समावेश दिखने लगेगा। तो अब मलासन, मलासन में पैर को खोलेंगे थोड़ा ज़्यादा और पंजे को सीधा रखेंगे। शुरुआत में इतना रखें, हाथ रख के अभ्यास कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आप अपने हाथ को छोड़ते जाइए। जिनको घुटने का दर्द हो वो थोड़ा परहेज करेंगे, मालासन खतरनाक हो सकता है उनके लिए। हर आसन को करना जरूरी नहीं है, इसमें से कुछ आसन लगे आप नहीं कर पा रहे इसको स्किप कर दीजिए, रुक छोड़ दीजिए, बाकी को लेकिन करना है। अब यहाँ से धीरे धीरे देखिए ग्राउंडेड कीजिए हिप को, जैसे जैसे ये मूलाधार का एरिया ग्राउंडेड होगा, और आप हाथ को ऊपर रखिए, नमस्कार कर सकते हैं सपोर्ट लेने के लिए, ऐसे फैला सकते हैं। कैसा लग रहा है? तो इसीलिए अभ्यास करते रहिए, ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है इस तरह के और आसन मैं आपको चाहूँ तो लगातार बताता रहूँ, लेकिन हो सकता है कि आप में से कई लोग फिर शिकायत करते हैं कि वीडियो लंबी हो गई। अब जानकारी चाहिए, सही चाहिए, बेहतरी चाहिए जीवन में, समय नहीं देना चाहते हैं, थोड़ा ताज्जुब मुझे भी लगता है, लेकिन अच्छा है, गागर में सागर भरने की कोशिश है। आप इस पूरी सीरीज को जो हमने निर्णय लिया है कैसे देखते हैं, लगातार जुड़े रहिए। अगली सीरीज में हम अगले चक्र को लेकर के बताएंगे, और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। सबसे अच्छा उपयोग आपके समय का होने जा रहा है, इसको अपनाइए। वीडियो में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।